ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है नमस्ते इंडिया। हम लोग देखते हैं ऑलवेज की वंदे मातरम गाना चलता है। उस गाने के अंदर क्या कि हम इंडियन है दिखाया गया, बट समय थोड़ा चेंज हो गया, अब इंडियन को एक दिखाना पड़ेगा। इंडियन एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग बटे हुए नहीं है। कुछ जाटों का आंदोलन हो रहा है तो वो आंदोलन कर रहे हैं, पटेल समाज आंदोलन कर रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं ऐसा सॉन्ग बनाए कि पहले हम इंडियन हैं फिर बाद में उसके अलावा फिर कुछ आप हैं। इस सॉन्ग के अंदर 16 लैंग्वेज यूज किया गया और बहुत शॉर्ट टाइम में किया गया, सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर किया गया। इसके 16 स्टेट में शूटिंग ख़त्म कर दी है हम लोगों ने और जनवरी में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। इसके अंदर अंजलि जी काम किए हैं, मिस सत्यव्रता जी काम किए हैं और जस अग्निहोत्री और यस काम किए, और भी बहुत सारे स्टेट से ऑर्फन बच्चों ने काम किया और बिरबल जी ने काम किया। बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो मकसद क्या है आपका, ये जो एल्बम बनाया है दर्शकों को क्या दिखाने की कोशिश की गई है? नहीं, एल्बम नहीं है, ये हमारा एक फिल्म आ रही है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गोपड़ में जी। हिंदी पिक्चर फिल्म है, 2.5 घंटे की प्रॉपर। अच्छा। उसके अंदर हम मुमताज में सॉन्ग डालेंगे। अच्छा। इसकी लेवल उस तरह मेंटेन करके हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे हैं। ये पैरोटिक सॉन्ग है। तो फिल्म के बारे में बताइए कि फिल्म क्या है, फिल्म का विषय क्या है? फिल्म का विषय है कि इंडिया में या वर्ल्ड में लड़कियां नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग फाइट करते हैं। हम लोग जब मान लें कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाता है तो हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जो बहुत मुश्किल से मिलता है तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके ऊपर बनाया गया क्योंकि लास्ट टाइम मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बहुत सारे अप्रिशिएट मिला, तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने इस फिल्म को बनाने जा रहा हूँ। इसकी शूटिंग मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। तो निजी जिंदगी में भी आप ऑर्फनेज बच्चों के लिए काम करते हैं, तो बताइए अपने जो आपने जो आपने जो अचीवमेंट किया है उस क्षेत्र में और क्या चैलेंज फेस करना पड़ा आपको ऑर्फनेज बच्चे के लिए जो काम करते हैं, कितना सपोर्ट रहा है गवर्नमेंट का या लोकल पब्लिक का? देखिए, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं लेते हम लोग, और जो इंटरनल सपोर्ट है तो खुद करते हैं हम लोग। ऑर्फन बच्चों के लिए हमें ऑल इंडिया जाकर ऑर्फन हाउसेस से मिले और बच्चों को सिलेक्ट किया। 108 नंबर वन ड्राइवर सीजन 3 इंडिया का पहला शो है जिसके अंदर 20% ऑर्फन बच्चों को लेकर आ रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया हमने, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि देखिए 14 करोड़ के आसपास बच्चे ऑर्फन हैं, उसमें 80% लड़कियाँ हैं, गर्ल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। उस प्रॉब्लम्स को शूट आउट करके बच्चों को खड़ा करना पैरों पर, 18 साल के बाद बच्चों को ऑर्फन हाउस से निकाल दिया जाता है या लड़कियाँ शादी करवा दिया जाता है। दो ही फील्ड ऐसा है, एक स्पोर्ट्स एक बॉलीवुड, जहाँ पर 18 साल से कम एज के बच्चे एज अर्निंग करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए इन बच्चों को हम बॉलीवुड में लेके आ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन लोग सब साथ दे रहे हैं उसमें, और नंगमा बहन भी साथ दे रही हैं सब। तो जब से मोदी जी की सरकार आई तब से ये सब चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो इशू है वो कुछ कम हुआ है आपकी नज़र में? कितने चाइल्ड ट्रैफिकिंग होते हैं, स्मगलिंग होते बच्चों का जो होता है व्यापार, उसमें कमी आई है? हाँ, कमी उसमें आई है, बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस फैल रही है कि हम किसी से मतलब उस तरह से अपना नंबर शेयर नहीं करें, किसी पर फेद नहीं करें, उसे बताया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस करवाया जा रहा है, उनको कमी आई है।